चरणों में डालेंगे। प्रणाम खुदी बाबा। 2023 के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व 15 अगस्त को इंतजार है, जाती रहती है। गुरु जी आपके दर्शन करते हैं हमारे धरती में आकर। जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार के सन्यासी बाबा की जय। आपको ही पता ही है, बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों अपने धाम के बाद बागेश्वर धाम सरकार जी हां पहुंच रहे हैं वृंदावन की पावन धरती पर। जी हां, परमानंद महाराज जी जो हैं और देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी और अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए जी हां बागेश्वर धाम सरकार वृंदावन में पहुँच गए हैं। आपको बताते चलें, शिव पुराण की कथा देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी की चल रही है और अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी सावन के महीने में शिव महिमा गा रहे हैं अपने आश्रम पर, गौरी गोपाल आश्रम पर। बताते चलें, परम पूज्य गुरुदेव का आगमन कुछ क्षण में वृंदावन में होने वाला और भव्य स्वागत हो रहा है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। और आज है 15 अगस्त, सभी को स्वतंत्रता दिवस की, गणतंत्र दिवस की और आज़ादी के दिन की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हमारी तरफ से। और आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, हिंदू राष्ट्र की जय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। आप भी अगर हिंदू हो या आप भारतीय हो, सनातन धर्म हो, या आप भारत को अपना हिंदू राष्ट्र मानते हो और भारत को अपना भारत मानते हो तो जय हिंद जरूर लिख के जाएं। और इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार के हम जल्दी आपको दर्शन कराएंगे परम पूज्य गुरुदेव के वृंदावन से। जी हाँ, सीधे लाइव आपने देखा परमानंद जी महाराज जी जो कि परिक्रमा मार्ग में रात्रि को निकले तो लाखों लोगों ने उनके फूलों से बिछा कर सड़कों पर बेसब्री से इंतजार किया गुरुदेव का और परमानंद महाराज जी के दर्शन करे। बड़े ही भाग्यशाली हैं लोग और जिन लोगों ने दर्शन करे। आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो जिन लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन करे। ऐसी वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं प्रतिदिन। बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। जय हो सभी भक्तों की, सभी पागलों की। मिलते हैं स्टूडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के